बीजेपी वालों की, कांग्रेस वालों, और मेरा चिन्ह एक नंबर पे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जाते ही मशीन में वही बटन दिखेगा आपको। हसीन अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं बहनों, आज जो बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आपको सभी को आज दिवाली के पर्व की शुभकामनाएं। मैं आज आपके बीच वोट की अपील तो करने आई हूँ, और आपको ये भी याद दिलाने आई हूँ कि जब अभी पीछे बारिश का मौसम था, तब जल भराव की स्थिति हो गई थी, और उस टाइम आप लोगों ने एक सीसी रोड की डिमांड की थी, वो एमपी साहब ने निकाल दी है, लेकिन सरकार ने अपना जोर लगाकर उस कागज को रोक दिया है। सरकार सिर्फ यही कर सकती है कि उसको रुकवा सकती है, लेकिन वो कागज रुका हुआ है सिर्फ 23 तारीख तक, वो काम आपका हो चुका है। इसलिए मैं आप सभी को यही कहने आई हूँ कि जो विकास को गति देने वाली पार्टी है, आप उसी को चुनिएगा, और विकास के लिए आपको पता है आरएलपी हमेशा से संघर्ष करती आ रही है। आपके बीच जहाँ भी दिन रात 24 घंटे जहाँ आपको जरूरत पड़ती है, वहाँ हमारा परिवार आपके आगे खड़ा मिलता है, जब आपको जरूरत पड़ती है। और मैं 36 कौम के अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारा परिवार, हमारे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। आज रास्ते में गाड़ियां मिली थी बीजेपी वालों की, कांग्रेस वालों की, उनके साथ कैंडिडेट के साथ साथ फोटो थी मोदी जी की। आपके बीच में क्या मोदी जी आएंगे आपकी समस्या सुनने के लिए? और क्या आपके जो कैंडिडेट है वो सीधा मोदी जी के पास संपर्क कर सकेंगे? लेकिन मेरे साथ जो फोटो लगी हुई है, वो जो आपने तैयार की हुए दो भाई है, मजबूत स्तंभ है हमारी पार्टी के, उन दोनों की, और उनको आप कहीं भी जाके नागौर में किसी भी वक्त जाके पुकार सकते हैं। आपको 36 कौम को साथ लेके चलने वाले, आज शायद कुछ लोग इंदिरा जी को बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे, पर इंदिरा जी के थोड़ी पैर में चोट है, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इसलिए आपको मैं एक ही चीज कहने आई हूँ कि आप सबके लिए और विकास कराने के लिए, आपको वोट देते वक्त एक दिल पे हाथ रख के ये बात सोच रही है कि आपके लिए कौन लड़ने वाला है। आज की जैसा भाई साहब ने आपको अभी बताया है कि जो लड़ाई है वो किसान की और ताकतों की है, सरकारी ताकतों की, और उस लड़ाई में आपको किसानों को, जवानों को जीतना होगा, नहीं तो आज जो खिमसर का नाम हुआ है वो मिट जाएगा, कोई याद नहीं करेगा आने वाले समय में। इसलिए आपको इस आरएलपी पार्टी को मजबूती देने के लिए आने वाले 13 तारीख तक आपको मजबूती रखनी है, किसी से घबराना नहीं है, चाहे कोई भी आए, कैसे भी हथकंडे अपनाए। आपको आने वाली 13 तारीख को अपनी प्रत्याशी, आपकी बहन, बेटी, बहू कनिका बेनीवाल को बोतल के निशान पर वोट देकर ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना है। धन्यवाद सर, राम राम। और मेरा चिन्ह एक नंबर पे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जाते ही मशीन में वही बटन दिखेगा आपको।